हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर जी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज लगभग 4 या 5 दिन हो गए होंगे मैंने कभी ब्लॉग नहीं डाला है, और मैंने सोचा आज थोड़ा सा एक वीडियो बना लूं कि थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था। और वहां से आई थी ना मैं अपने मायके से, तो थोड़ा साफ सफाई बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, कपड़ा वगैरह भी धोना था और घरों भी साफ करना था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला उतना ब्लॉग डालने का इसलिए। और ये देख लीजिए, ये सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता मेरा बन चुका है और ये मैं खाना बना रही हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने काटा है कटहल को, कैसे कैसे काटा है वो मैं ही जानती हूँ। बड़ा मुश्किल से एकदम बहुत मेहनत लगा, लगभग 1-1.5 घंटा लग गया था उसको काटने में। और उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है, 4 सीटी 4 या 5 सीटी ऐसे कुछ लगा था। और इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है, और जैसे कढ़ाई में बनाते हैं ना वैसे मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने प्याज टमाटर भी मैंने इसमें यूज़ किया है, और तेज पत्ता वगैरह वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और गरम मसाला में थोड़ा सा लौंग था और दालचीनी था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस वक्त, था पर मुझे दिखा नहीं क्योंकि मैं वहाँ से आई थी ना। तो ये आज की वीडियो नहीं है, ये हो गया 2-3 दिन पहले की वीडियो है, लेकिन समय इतना नहीं था कि मैं अपलोड कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो था भी नहीं मेरे पास, इस वजह से भी मैंने अपलोड नहीं किया था। और ये देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ, कटहल की सब्जी, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और देखिए मैंने मसाले को अच्छे से एकदम फ्राई कर लिया है, प्याज को भी अच्छे से दला लिया था नमक डाल के, बहुत टाइम लगा थोड़ा सा, मतलब मसाले को अच्छे से जब भून लेते हैं ना तो सब्जी अपने आप टेस्टी बन ही जाता है। तो जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरह से मैं बना रही हूँ। और ये कटहल को भी मैंने फ्राई किया और उसके बाद कुछ देर के लिए ढक के छोड़ा, इसी तरह से बाकी लोग सारे लोग तो बनाते ही होंगे अपने अपने तरीके से, पर मैंने इस तरह से बनाया है कढ़ाई में। वो मैं कुकर में भी बनाती हूँ लेकिन आज मैंने सोचा कि कढ़ाई में बनाती हूँ, इसलिए और ये देखिए ये लगभग बन ही चुका है। और बाकी जो घर का काम था वो सभी, मैं आई थी ना तो इतना सारा कपड़ा हो गया था धोने के लिए, तो वो सभी, और ये ठंडा में ओढ़ने वाला चादर है तो उसको भी मैंने सारे कपड़े धो लिए थे ना, तो अब इन सबको मैं मोड़ मोड़ के पैक कर दूंगी ताकि अब अगले ठंडी में निकलेगी ये सारे कपड़े। और ये कुछ पहनने वाले कपड़े थे, इनके थे और मेरे भी हैं, मैं वहाँ चली गई थी ना तो ये सारे कपड़े को मतलब गंदा कर कर के वैसे ही रखा हुआ था, धोते वोते नहीं थे, जमा कर कर के एकदम पूरा ताल लगा हुआ था, तो इस वजह से कपड़ा ज़्यादा हो गया धोने के लिए। इतना काम ज़्यादा हो गया ना कि मैं थक भी गई थी, और इस वजह से थोड़ा सा मन ही नहीं कर रहा था कि आगे कुछ काम करूँ, और सर्दी भी उतना ही परेशान कर दिया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा है ना कि डस्ट वगैरह से एलर्जी है, कोई झाड़ झूड़ ज़्यादा करती हूँ मैं घर तो वैसे ही सर्दी वर्दी हो जाती है मुझे। और ये देख लीजिए, इसी में एक और काम लगा दिए हैं पति देव ऑफिस से लंच टाइम में आके, और ये सब निकाल निकाल के, मतलब निकालने वो तो कबाड़ी जैसे लग ही रहा था, और ऊपर से पूरा ही खुद भी पूरा इधर उधर सारा सामान, हेलमेट को जूता पे रखे हैं, मतलब क्या बताएं, पूरा एकदम बच्चों की तरह करते हैं सारा सामान, मतलब उनको जब जो चाहिए उसी समय चाहिए। और टेबल का भी हाल देख लीजिए क्या क्या करके रखे हैं, मतलब यहाँ से वहाँ टीम, मतलब क्या बोले, घर में भी देख लीजिए मतलब कोई एक चीज ढूंढने के लिए पूरा इस तरह से छिपाया गया है। अब क्या करें, तबीयत भी ठीक नहीं था, काम भी था, और ऊपर से बैटरी में मैंने पानी डाल दिया और पानी भी ज़्यादा भर गया,
इस वजह से भी ज्यादा परेशानी हुई, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी मैं। और ये देखिए बीन्स मैं काट लूंगी, ये शाम का टाइम है। ये देखिए ये खिड़की पे हमेशा घर बैठे रहते हैं कबूतर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।